गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में आज हम पांचवे पाठ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसके अभ्यास कार्य को करेंगे, जिसमें पहला है प्रश्न, निम्नलिखित रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। यह संसार नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाला यानी कि नश्वर। ऊपर लिखे हुए, ऊपर लिखित। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कम खाती, हर्षिता कम खाती है, तो कम खाती यानी कि अल्पाहारी। देवेश मेरे साथ काम करता है, साथ काम करना यानी कि सहकर्मी। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क में है जो अधिक जानता हो, बहुज्ञ, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित, सदैव रहने वाला, शाश्वत, उच्च कुल से संबंध रखने वाला, कुलीन, बहुत दूर की देखने वाला, दूरदर्शी, जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, फल का आहार करने वाला, फलाहारी, रोग से ग्रस्त व्यक्ति, रोगी। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए, जिसमें जिज्ञासु, जिज्ञास यानी जानने की इच्छा रखने वाला, अक्षम्य, जो क्षमा के योग्य न हो, हितैषी, हित चाहने वाला, मीनाक्षी, मछली की तरह आंखों वाली। तो इस तरह से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है।